Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छोटी क्या बात हुई थी आप बताओगे थोड़ा सा जी। घर तो उठा के ले गए जी, झूठा इल्जाम लगा के मोटर का जी। नू बोले घर जी तीन यो दो जी छोटा जो काम पर जा रहा था जी, गुदारिया का घर से उठाया जी। ए, मेरा भाई जी का श्रीराम का घर है जी, चमारा की बस्ती में से उठाया जी और बहुत गुंडी तरह मारा जी। मेरे भाई और छुटान गए तो बोले था भी बिक जाना था अपने भी मारांगे जी, सारे दबा दिए जी, वहां पे गई गई थे जी। आप इस परिवार में, आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हम जी 12-13 मेंबर है जी, 4 बच्चे हैं। आपका आपका भाई था ये? मेरा सगा भाई था जी बेटा। शादीशुदा था? हाँ जी। कितने बच्चे इसके? एक बच्चा जी 1 साल का भी हुआ 11 तारीख ने जी। आप इसकी सिस्टर हो? हाँ जी। और इसकी मम्मी गुजरी थोड़े दिन पहले। रोज जी बीमार है जी, वो तो खड़ी होके कौन चल जी, दौरे आ रही है जी, इसका थोड़ा भी इसने संभालना जी, उसने भी उसका तो कौन सा रखा नहीं जी। वो पहला बेचारी बचपन से दुखी है जी, इतना और दुखी है करती घर तब को के ले गए जी, दान दान भरवाने जी, दाढ़ी का नाम लेके ले गए जी, पूरी रात पूरे दिन चाहिए वो काम पर जाता जी। मैं घर रहा जी, रात में जी 8:30 बजे घर आके सोया जी। नुबले जी रात में मोटर के सुते आदमी कदम को उठा के ले गया जी, मोटर खुद ना खुद की बेच के जी, चोर आके चोर जी सारे मंदिरा लग के बे कौन छोड़े जिन ने छत पे लटका दिए जी, मैंने के मारी मोटर उठा के ले गए जी। कौन बुलाने आया था उसको घर पे? जी बाग का छोरा जी संदीप जी, और एक एक उसका छोटा भाई जी, और एक साथ में चूड़ा का लड़का था जी, मोटरसाइकिल आप पकड़ पकड़ के लेके गए जी। और कौन कौन थे ये? 3 जने जी करते, एक एक को न्यारे न्यारे। और वहाँ पे किन्होंने मारा इसको, उनका नाम याद है? हाँ जी, एक संदीप जी, सुनील जी, गोलू जी। ये तो ना बिठा के ले गए, हाँ यहाँ से बिठा के लेके गए सीधा खेत में। वहाँ वो 5-10 तो पहले से थे, 5-10 और बुला ली उन्होंने, वे 30-40 बंदे हो गए। आप लोगों ने सुना कि जिस टाइम 10-12 लड़के 3 वाल्मीकि समाज के युवाओं को पीट रहे थे, उस टाइम गांव के बहुत सारे लोग भीड़ बनाकर वहां पर केवल तमाशा देखने का काम कर रहे थे, किसी ने बचाने का उसको प्रयास नहीं किया। कौन कर एक भी छुटा दे तो कौन मरे? बचाने का प्रयास नहीं किया किसी ने, वहां पे पुलिस को कॉल नहीं की। आपके आपका जो वहां पे गांव है, वहां से गांव से चौकी या थाना कितनी दूर है? चौकी कौन सी लगती है आपने? कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर नहीं, मंगाली चौकी 4 किलोमीटर है सर। मंगाली चौकी, मंगाली चौकी 4 किलोमीटर। जिस टाइम घटना हुई पुलिस कितनी देर बाद पहुंच गई थी आपके पास? पुलिस तो नहीं, 9:30 लेके आई, 3:30 बजे। यानी सुबह 9 बजे की घटना है? हाँ, 9 बजे उठाए थे। उल्टा पूछ लिया जी, जो कूट रहे थे तब भी, फिर भी पुलिस उन्हें साथ नहीं लेके आई जी, भी वही छोड़े ही नहीं, इन तीनों को लेके आई पापे जो थे निजात ने सबको वही छोड़े आई। जो मारने वाले लोग थे पुलिस गई, जो मारने वाले लोग थे हत्यारे थे वो जब पुलिस मौके पे गई, पहली बात तो ये बताना पड़ेगा सुबह 9:30 बजे की वारदात है, पुलिस 3:30 बजे मौके पे पहुंची। पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर जो लोग वारदात करने वाले हत्या के आरोपी हैं, मारपीट के आरोपी हैं, वो लोग मौके पे मौजूद थे। पुलिस ने उनको वहां पर राउंड अप नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया जी, और ले ले के आए। और वो पुलिस ने उनको भागने का मौका दिया, जैसा हमेशा जी भगा के आए। हमेशा हमेशा हम लोगों को SC ST एक्ट के या SC समुदाय के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी का मैटर होता है, हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आरोपी अगर जाट समुदाय से है तो पुलिस को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑटोमेटिकली उन लोगों की फेवर करना शुरू कर देती है, चाहे उन्होंने कितना हीनियस क्राइम किया हो, चाहे उन्होंने रेप किया हो, चाहे उन्होंने बच्ची के साथ रेप किया हो, चाहे मर्डर किया हो। तो इस केस में भी पुलिस ने आरोपियों को भागने में मदद की। और क्या आपको लगता है पुलिस इस मामले में ईमानदारी से काम करेगी? जी मामला तो मुश्किल है जी, जाटा का जी, कदे करे सारे पुलिस वाले जाट ही है जी, हमारे उस समुदाय में तो होते ही नहीं जी ज्यादातर। जो हम लोगों ने अभी बात की है, जो विक्टिम्स कम्युनिटी के लोग हैं, इनसे हमने बात की है, तो सभी 10-12 लोगों का नाम ले रहे हैं। और हमने 30-40 देखने वाले थे, 30-40 देखने वाले थे। और जो इंजर्ड है, इंजर्ड की स्टेटमेंट जो है, इंजर्ड के ऊपर आप लोगों ने भी देखा होगा, वो बात करते टाइम कांप रहे हैं, उनके ऊपर इतना डर है, उनको इतनी धमकी दी गई है। और वो उन्होंने खुद भी कहा है, उन्होंने खुद भी बोला है कि हम लोगों को
मारने वालों ने कहा है कि अगर पुलिस में स्टेटमेंट दी तो तुमको भी जान से मार देंगे। नहीं भाई साहब, तो वो सारे के सारे नाम मेरे ख्याल से उनके बयानों में अभी तक आए भी नहीं है। चेहरा ये जो छुटवाने वाले जो मेरे भाई गए थे नी 3 किलो दूर रुक गए, भाई इनका डर हो गया थमना ना मारा है पहले से उन वारदात, मतलब ये डर के पीछे हट गए छुटवाने की मत को नहीं। अंकित नाम का, हाँ उनका एक भतीजा अंकित नाम का, वो बोला हमने तो वाड़े कर करके डंडा तक इतने काटे हुए कि उनकी हालत बुरी बना रखी है और तुम आ गए गए तो सोच। अब वो 30-35 बंदे थे और हम थे 3, बोले यहाँ से गोली हो जाओ यूं करके। फिर उसके बाद में हमने पता चला 3 बजे हमारे को पता चला, बोले कि यहाँ जाओ सरपंच के थ्रू। सरपंच बोला कि यहाँ जाओ एक बार थाने में, थाने से फोन आया कि उनकी FIR कटवाएंगे। माँ ठीक है भाई, हम ही आए तब हमने पता चला कि हमारा भाई तो सुबह ही एक्सपायर हो गया। हमारे को तो पता 3 बजे चले आए वो लिया, सुबह सुबह 9 बजे के उठाए हुए हैं वो तीनों, जिसमें से एक को तो इतना मारे और 2 अंदर है, उनकी भी हालत बुरी है। वो कहाँ पर है? हाँ तो टोटल अगर हम लोग इस मामले में देखें तो पुलिस का जो एक डेलिबरेट नेगलिजेंस है वो देखने में आ रहा है। पुलिस जी गई हमारे घर पे बताने के लिए, प्रशासन तो कोई मदद नहीं कर रहा, प्रशासन तो कोई मदद नहीं कर रहा। तो इस मामले में जो जांच अधिकारी हैं डीएसपी साहब एक बार बताओगे इस मामले में क्या प्रोग्रेस है? अभी एफआईआर लॉज होगी किन किन सेक्शन में हुई है सर? मर्डर और एससीएसटी एक्ट, बिल्कुल एससीएसटी 3-2-5। और ये सारे के सारे इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस का इस मामले में, पुलिस को 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, 3:30 बजे मौके पे पहुंची है और जो एक्यूज थे दे पीपल वर प्रेजेंट एट द स्पॉट, बट आपका जो ऑफिसर वहाँ पे गया उनको किसी को पकड़ के नहीं लाया, किसी को नहीं लिया जी, उनको तीनों को उठा लिया जी। और बोले आने के बाद यहाँ हमारे खबर पहुँचने के बाद पुलिस गई गांव में, बोले हम तो देखने आए हैं कि क्या है कि पुलिस हमारे घर लग भी नहीं गई, पुलिस उल्टी आ गई उनके घर लग भी नहीं पहुँची। पहली बात तो मैं आपको जानकारी आपकी ड्यूटी दे के उल्टी आई गाँव में गए ही नहीं, पहले तुमको इलाज के लिए लेके आए ना यहाँ पे इलाज जी, घरा फोन कर दिया आधा राम हो दिया एक्सपायर जी, घरा फोन पहुंच गया मेरे भाई और भागते हुए आए 3, घरा फोन बिक गया, पुलिस बाद में जांच कर रही है, पुलिस को पता था राम ही डेट होगी, तब भी पुलिस ने ये नहीं कहा डेट होगी, वापिस नहीं गई, उन्हीं ने को लेके उनको मरा हुआ देख कर भी लेकर आए यहाँ, पुलिस जिंद उनको दबा कर फिर यहाँ लेकर आई उन तीनों को, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, पुलिस खुद गई है सुबह 12 बजे, बोले पुलिस ना घर पे गई, कंप्लेन हो चुकी है पुलिस में दे दिया, फिर भी वे मार रहे, पुलिस 3:30 बजे के बीच जाती है तब हमारे घर पे फोन कर, वो भी हमें औरों से पता चलता है कि भाई वो डेथ हो गई, तब हमें आए पुलिस जाके भी अगर पुलिस वहाँ कूटते हुए को भी नहीं पकड़ के डीएसपी साहब, इसमें है ना हमारी जो एक दो डिमांड्स ये हैं कि इसमें जो पोस्टमार्टम हो वो आप लोग सीएमओ से बात करके और इनका एक बोर्ड बना के बोर्ड से पोस्टमार्टम हो जाए। सेकंडली इस मामले में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो जाए, ठीक है सर, और इसमें इमीडिएट जो है हम लोगों को जितने भी लोग 8-10 लोग शामिल हैं इसमें मुलजिम जो हैं उन लोगों के अरेस्ट चाहिए, और जो ये दोनों बंदे हैं इनका परिवार पीछे वहाँ पे गांव में अकेला होगा या यहाँ पे होगा, और इन लोगों को बच्चे ये लोग आई विटनेस हैं और इन लोगों को पूरा खतरा है, इन लोगों को इमीडिएट प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। सामने दो जो व्यक्ति बैठे हैं ये दोनों के दोनों वाल्मीकि समुदाय से हैं, SC कम्युनिटी से हैं, और ये यहाँ पर गंभीर हालत में चोटिल हैं, हालांकि आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि इनके साथ क्या हुआ है लेकिन इनके अंदरूनी बहुत गंभीर चोटें मारी गई हैं, और कारण ये है कि ये 3 लड़के जो हैं गांव मीरका के हैं जिला हिसार के, और इनको सुबह काम पर ले जाने के लिए 10 युवा थे जाट समुदाय के, वो इनको अपने साथ ले गए थे और वहाँ पर इनके ऊपर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, चोरी का इल्ज़ाम लगाने के बाद लाठी डंडे बिंडों से बुरी तरह इनको मारा गया, और वहाँ पर एक युवक की मौत हो गई है, उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है,
और मैं इनसे बात पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, सारी की सारी बात बताओ भाई साहब, क्या हुआ था? हम काम पर लग रहे थे, काम से। आप कौन से गांव से? मीर का से। मीर का गांव से। तो क्या हुआ था? हम काम पर लग रहे थे, काम पे से लेके मिले 5 मिनट आ जाओ। कौन लेके गए थे आपको? जो संदीप ले गया था साहब। संदीप कितने का आदमी थे? ये 5-6 का पहला थे। किस कास्ट से ये? जाट सारण। अच्छा, किस किस लिए ले गए थे आपको? काम कराने के लिए? नहीं, मतलब 5 मिनट काम है, एक बार तो काम तो हम लगे रहे थे पहले। तो कौन कौन गए थे आप? पहला इसको ले गए थे। आपका क्या नाम है? बाल सिंह। पहले बाल सिंह को ले गए थे, फिर मेरे को ले, फिर आपका आपका क्या नाम है? संदीप। और फिर किसको ले गए थे? फिर इसको विनोद को। फिर विनोद को ले गए थे। ठीक है, कहाँ पर ले गए थे? खेत में को, टेबल पर। फिर हमारा कुछ किधर? क्यों की मारती थी आपके साथ? ये बोल रहा मार मार के धक्के यहाँ पर वाली झूठी। किस चीज़ की झूठ करवाई आपसे? भाई यहाँ मोटर और इन्वर्टर बैटरी चोरी का इल्जाम लगाया आपको। फिर जो आपके साथ मारपीट की, कितने लोग थे वहाँ पे? 10 आदमी। 10 आदमी थे। उन 10 आदमियों के नाम आपको पता है सभी? खैरबाद में और आगे जाकर हम लोग, उनके नाम बताओ कौन कौन थे? सारे का बता दे। एक तो ये संदीप, दोनों भाई है, एक सुनील। संदीप के बाप का नाम क्या है? डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके समाज से हूँ और वकील हूँ। मिर्चपुर कांड वाला केस सुना होगा आपने, वो हमने किया था, उसमें सजाएं भी कराई थी। आप निश्चिंत होकर हमको सारी बात बता सकते हो। एक वो है सुनील अड्डा बड़ा, सुनील जय सिंह का लड़का। अच्छा, और कोई याद आ रहा हो आपको? अच्छा, इनके हाथों में क्या क्या हथियार थे? इनके डंडे, कामड़ी लेके पतली पतली तोड़ के फिर पत्थर मारने लगे, फिर बोले नुगले इनसे काम नहीं चलेगा, मोटे डंडे लेके आए, फिर बोले एक पेट्रोल लगा के आग लगाई, हाथ पैर उठा उठा के पीछे से कभी पेट्रोल भी लगाया गया इनके, पेट्रोल बोला पेट्रोल आपके लाइन को मुद्दा करो स्थानों पे पेट्रोल लगाएंगे। तो ये मारपीट करते टाइम आपको गालियां बक रहे थे? जाते सोचे गालियां बक रहे थे? सभी हमारी माँ को बहन को सबको गाली बक रहे थे। अच्छा, तो उसको कितनी चोटें लगी हैं तीसरे वाले को? वो तो एक्सपायरी हो गया, एक्सपायर हो गया। उसके कहाँ कहाँ पे चोटें मारी हैं? उसके सारे आगे पीछे अंदर मार मार के, यहाँ मार मार के, यहाँ पे ही पत्ते भी मारे, ये तोड़ रहा है, आंसू तोड़ रहा है, एकदम फसलियाँ तोड़ दी। तो आपका पुलिस ने बयान ले लिया? पुलिस को आपने कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं? यही 500 के लगाए, बाकी वो याद नहीं आ रहे, तो लिखा दबाव याद आपको किसी ने धमकी दी है? आपको किसी ने ऐसा भी कहा कि पुलिस में गलत बयान, पुलिस में किसी पुलिस को सारी बात बताई तो आपको खतरा, इस तरह की कोई खतरा या डर है आपको? क्या थे जी, कौन कह रहा था? ये संदीप खेत वाला, कि पुलिस को बयान नहीं देना? हाँ, बोले फिर गाँव में कहीं नहीं अंडर देती। देखो ऐसा है, आपको 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 डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो घटना हुई बहुत बुरी घटना हुई, हमारा एक साथी चला गया, आप लोगों को चोटें मारी गई, लेकिन अब आप इस चीज़ से निश्चिंत रहो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह सारा का सारा समाज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा करेंगे और आपको है ना, जब तक इन लोगों को सजा नहीं होती तब तक आपको प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। आपके गाँव में आपके घरों के आगे भी पुलिस प्रोटेक्शन खड़ी कराएंगे, ठीक है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन लोगों को गिरफ्तार कराएंगे और आप लोग सही बढ़िया तरीके से गवाही दोगे, जो सच्ची घटना थी बताओगे, बताना किसी को जो भी सच्ची घटना होगी आप बताओगे, तो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को उम्र कैद से कम की सजा नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में निश्चिंत रहो, आप लोगों का और आपके परिवार का कुछ नहीं बिगड़ने देंगे।